नकली प्लेटलेट्स मामले में एक अस्पताल को जांच तक सील कर दिया गया है। 11 अक्टूबर को एक डेंगू संक्रमित मरीज ग्लोबल हॉस्पिटल धूमंगंज में भर्ती हुआ था। प्लेटलेट्स नीचे आने पर अस्पताल ने परिजनों से प्लेटलेट्स की मांग की थी, जिसे सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के पर्चे वाले प्लेटलेट्स अस्पताल को दिया गया। जब प्लेटलेट्स मरीज को चढ़ाया गया तो उसे दिक्कत हुई, बाद में उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 2 दिन बाद मौत हो गई। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। लेकिन ये जो निकल के आया तथ्य, वो आप देख लें कि जनपद प्रयागराज के अंदर कुछ ऐसे सिरफिरे कुख्यात टाइप के लोग हैं और उनके ऐसे अपने हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को उल्लू बनाते हैं, जान से खिलवाड़ करते हैं और ये मौसमी का जूस इस तरीके से बेच देते हैं, और जिसके बाद जो है लोगों की जाने जा रही हैं और बोलने को कोई नहीं तैयार है। मैंने कम से कम 10 से अधिक डॉक्टर से बात करी है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी है, तो वो बोलते हैं कि आप भेज दीजिए और इसमें जांच होगी। लेकिन जब तक जांच होगी तब तक हजारों जाने डेंगू से चली जाएंगी और बात यही होगी कि डेंगू से अगला आदमी मर गया। मीडिया में हल्ला होने के बाद जांच टीम ने आज प्राथमिक जांच की और जब तक जांच पूरी न हो तब तक अस्पताल को सील कर दिया गया।